न्यूज़ देखने वाले देश विदेश वसदे सारे स्रोतों मेरे वालों यानी कि कमलजीत सिंह मरहाना वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों जिमें कि साड़ी कोशिश रहिंदी है कि जीरा हलका और जीरे के नाल लगते इलाके की हर एक गलबात तक पहुँचाते रहिए। कोई भी समाचार हों कोई भी गतिविधि होंगी है तो ताड़े तक असी पहुँचाते रहिए। अज असी बैठे हुए हैं तलवंडी भाई के बिल्कुल नज़दीक सेखवा पिंड जिहड़ा वा उहदे नाल बिल्कुल बैठे हुए हैं। असी जदों तुसी गूगल के उत्ते सर्च करोगे तलवंडी भाई बेस्ट पेट्रोल पंप तो तुहानू बजाज फिलिंग स्टेशन जिहड़ा वा वह सामने नज़र आएगा। ताडे अज असी उत्थे बैठे हुए हैं जिहड़ा कि राजस्थानी रोमाना के नाम के नाल भी जिहड़ा मशहूर वा पंप काफ़ी लंबे समय तो 15-16 साल तो जिहड़ा वा सर्विस इलाके दे विच दे रहा लोगों काफ़ी वधिया सर्विस आ जां ही जिहड़ा वा नंबर वन दे करके मशहूर वा जिहड़ा इलाके दे विच पूरे। अज असीं उत्थे बैठे हुए हाँ, साडे नाल पंप के ओनर मनदीप सिंह जी भी बैठे हुए हैं, इन्हां दे नाल गलबात करांगे। जिहड़ी मेन गल करके अज असीं इत्थे हाजिर होए हाँ वह गल आ कि इन्होंने जिते जिते पेट्रोल पंप इन्हां कोल है ही है डीजल तो पेट्रोल उसके नाल इन्होंने सी एन जी गैस जिहड़ी आ वह सेवावां भी जिहड़ियां शुरू कर दित्तियां ने, जो कि एक नवेकली सो अपने इत्थे हैगी है सर्विस होर कितें नहीं हैगी। आपां सारी उहनूं लै के गलबात आपां इन्हां दे नाल करदे हाँ। हाँ जी मनदीप सिंह जी स्वागत करते हैं। सब तो पहला तो ये दर्शकों दसो कि जी सी एन जी तुम लैके आती है ये कि हैगी इलाके के अपने होर भी कोई है इतने पंप सी एन जी का? भाई सब तो पहला मेरे वीडियो वेखन वाले सारे मेरे भैन भरा मेरे वालों सत श्री अकाल। भाई जिवें तुम सी एन जी की गल करते हो एक नवी टैक्नोलॉजी है अपने पंजाब वास्ते नवी टैक्नोलॉजी है जी। बाकी तो काफ़ी जिवें मैट्रो सिटीज तो ऑलरेडी हैगी है, फिलहाल अपने नेड़े कोई पंप नज़दीक कोई पंप नहीं गा जी। बठिंडे अमृतसर जिवें आप हाईवे पर बैठे हैं, बठिंडा अमृतसर हाईवे पर अपना पेट्रोल पंप है जी। इस पेट्रोल पंप जी लोकेशन से कोई पंप नहीं गा, बठिंडे तो अमृतसर एको एक अपना पंप ही है जो सी एन जी बठिंडे तो लैके अमृतसर कला पंप एको पंप है जो सी एन जी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले समय के होर भी पंप छेती शायद मिल जाए, कंपनी की पॉलिसीज रही है असी छेती छेती होर पंप लाइए। अज की घड़ी एक बड़ी रब न शुक्रिया अदा करते हैं कि सानू इस सर्विस वास्ते गवर्नमेंट ने इंडियन ऑयल ने गुजरात गैस ने सानू चूज़ किया। कितना कितने कुछ चीज़ा वेखिया होनी है जिमें तुसी भी कहा भाई ये साडा माण वाली गल है, इस इलाके लिए भी साडा अगे भी लोगों ने बहुत माण बनाया। डीजल पेट्रोल की बहुत वधिया सेवावां है, नंबर वन ते पंप अपना हैगा जी। तो उस तरह ही असी इस चीज़ में भी शुरुआत कर रहे हैं कि असी आने वाले टाइम के लोगों को होर सेवावां देईए, सी एन जी की सेवावां भी देईए। सी एन जी काफ़ी किफायती पैंदी है, रेट पक्षों काफ़ी सस्ती गैस है जी, एवरेज ज़्यादा दिंदी है। तो लोगों मैं क्वेश्चन करना कि फायदे है डीजल तो पेट्रोल के नालों सी एन जी के की फायदे है वक्रे जे गाहकों जिदा नाल फायदा होंगे? भाई जी सी एन जी का काफ़ी फायदे है, इको फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं होंगे। रेट यदा अज का रेट 59.47 रुपये अपने को गुजरात गैस वालों सी एन जी प्रोवाइड की जाती है। एक अपने एरिए मोगे तो दूसरे साइड एक एरिया थिंक कंपनी की गैस है, वो एक प्राइवेट बेस कंपनी, वह रेट 65 रुपये समथिंग है, कुछ ज़्यादा है। तो अपनी गैस का रेट काफ़ी जेन्युइन है, एवरेज भी काफ़ी दिंदी है। मतलब कहने का मतलब कि जो तुहाडे कोल सरकारी है? सरकारी है जी टोटली, वो गुजरात गैस के अंडर हैगी है, बाकी वो सरकार के अंडर वो प्रोसैस करती है। कोई भी रेट वधाउणा या कोई भी वह किसी भी तरीके का लेन देन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग होंगी है जी, सरकारी कंपनी है जी अपने कोल। तुसी सी एन जी लैके आए हो, आप कोई भी काम करते हैं भविख में जोड़ा वा विच रख के करते हैं कि भविख में की होएगा, कि आने वाला समा सी एन जी का है या भविख के सी एन जी आ रही है? भाई जी जिहड़े हिसाब नाल महंगाई वध रही है, डीजल पेट्रोल दीआं कीमतां बेलगाम हो रही, डेली सुनते हैं कि अज पेट्रोल फिर वध गया, घटन दे टाइम नहीं आता। तो उस वास्ते आने वाला समा आप जरूर कही सी एन जी का टोटली 100% है जी। अज के टाइम आप नव सब कुछ नव है सी एन जी अपने एरिया वास्ते, बट परमात्मा की मेहर है बहुत लोगों ने इधर हो गए हैं, गड्डिया बहुत लै लिया, ईवन वड्डिया गड्डिया ट्रक वगैरह भी आ गए, कारा तो है ही हैं। बाकी ये गैस वो एल पी जी वाली गैस नहीं, हजे भी कितना कितने लोगों के मन शंका रह जाती है कि यह गैस कितने अपनी सेफ हैगी है। मैं ये भी गल क्लीयर करना चाहना भाई जी कि यह गैस बहुत ज़्यादा सेफ है, पेट्रोल नालों भी सेफ है गैस। यदि मैं एक तो टैक्निकल गल करा कि जिवें पेट्रोल नूं अग फड़न वास्ते 250 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, इनू 540 चाहिए जी। मतलब ये डबल नालों भी ज़्यादा इनू गर्माइश मिलेगी, फिर कितने जाके अग फड़ेगी। बाकी ये कोई स्मैल नहीं होंगी, मिथेनियम गैस ये ऐड करके इन्हों हल्की जी स्मैल दिती जे गई है जानबूझ के, एक नैचुरल गैस है, ये बहुत फायदे है। एवरेज वधना इंजन ना कुछ भी, कोई इंजन की कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होंगी क्योंकि इंजन बह गया अपना, कोई एह जी किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं आती। बाकी तुम इतने चेक कर सकते हो कि ये जी गैस वधिया है, इस करके कंपनियां
आपके कई मॉडल जिमें मारुति कंपनी मैं गल करा मारुति की बहुत आर्टिका गड्डी है सिलेरियो है वैगनार है वैगनार की 32 की एवरेज है जी अब तुम वेखो 69 रुपए 47 पैसे का गैस पा के कंपनी कहती है 32 किलोमीटर तक तुम सफर कर सकते हो जी कि मोटरसाइकिल के बराबर पैंदा है तो आने वाला समा बिल्कुल है जी हुंडई ने भी आपकी गड्डिया कढ़तियां तो आने वाले टाइम के हम जिमें ट्रक टाटा ने भी ट्रक तक कढ़ते हैं जी आने वाला समा जरूर सी एन जी का है एक डीजल तो पेट्रोल के मिलावट की गल की जाती है सी एन जी कोई मिलावट के चांस है मिलावट कि हो सकती नहीं ये कोई मिलावट के कोई आसार ही है नहीं गए जी क्योंकि एक सारा एक प्रैशर वाला काम है काफ़ी प्रैशर न पिछों गैस आँदी है ये कोई छिड़कानी नहीं हो सकती डीजल पेट्रोल के अगे मिलावट होंगी सी अजक वो भी समा चले गए है जी मिलावट वो एक लिक्विड है सामने देखता वो कुछ भी आप एक्स वाई जेड मैक्स मिक्स करिए रूप होर धारण कर लेंदा है ये कोई दिखने वाली गैस तो है नहीं गई सी एन जी का मतलब है कंप्रैस नैचुरल गैस एक कंप्रैस की गई है नैचुरल गैस को इसनू मिलावट करना इंपॉसीबल ही है जब तक मैं सोचना जेकर आप काफ़ी लंबे समय तो सर्विस दे रहे हो तो डीजल तो पेट्रोल की जेकर डीजल पेट्रोल की आप गल करनी हो मिलावट बारे जिम्मे तो मैं गल की है काफ़ी लोगों के मन शंका होंगी कि फलाना पेट्रोल पंप के मिलावट आ फलाना पेट्रोल पानी रला कुछ इधर रला जो मिलावट चेक करनी हो तो कोई कोई है अपने को तरीका किमें कर सकते हो तीन दर्शकों को जानकारी दे सकते हो भाई जी बहुत वधिया सवाल किया अज के टाइम के कई कस्टमर आ जाते उन्होंने मन शंका रही है बाकी रब तो डर के कहने जी अपना इस एरिए आप एक इमानदारी करके मशहूर है जी अपना पेट्रोल पंप बाकी फिर भी मैं तुम्हें तो राही जरूर दसना चाहना भी जे आप कोई भी बंदा किसी भी पेट्रोल पंप से चैक करना चाहे किमें चैक कर सकते हैं जी मेरे को कुछ चीज़ा इतने है तुम्हें दिखाने जिमें भाई आ एक गवर्नमेंट वालों सानू पैमाना दिता जाता है कि भी तुम किसी भी पंप से आप लगे कि आप क्वालिटी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही ये आप किसी भी पंप तो आप परमिशन लैके आप चेक कर सकते हैं ये क्वांटिटी तो तुम्हें पता लग जाऊगा जी ओके मतलब कि जो कोई घट पा रहा घट पा रहा जी देखो कस्टमर कहें जी मेरी गेज नहीं उठी पंप का गेज ना कोई संबंध नहीं होंदा जी बाकी जे ये पैमाने थोड़ा माल पूरा मिल रहा तुम्हें 5 लीटर का भांडा है जी गवर्नमेंट तो अपरूवड है जी ये भांडा पूरा तो तुम्हें ऑटोमैटिक गेज आर्डर सिस्टम होंगे जी इलेक्ट्रॉनिक गड्डिया किसी की गेज कोई ठहर के उठती है कि किमें उठती है जी तो जे पूरा है तो बिल्कुल तुम्हें पूरा ही मिलेगा जी बाकी आज को मेरे हाथ कुछ मीटर है डायनेस्टी मीटर कह दें एक क्वालिटी चेक कर सकते हैं साढ़े इतने डिस्प्ले होंगे जी मेरे को जो प्रोडक्ट है डीजल या पेट्रोल की क्वालिटी है वो मेरा मैनशन है जी मेरे मशीन से भी मैनशन है होर पंप का मैं पता नहीं मेरा एट ए टाइम से तुम्हें कि भी तुम्हें पूरी मिलेगा डिस्प्ले कि तुम्हें की डायनेस्टी का है ये राही भी आप चेक कर सकते हैं कि सा जो क्वालिटी उसमें दे रहे हैं असं वो चीज़ सा जो डिस्प्ले हैगी है वो साढ़े एज पर इनवॉइस जो बिल साढ़े बन के आता है वो बिल ना असं आपका क्रॉस चेक करते हैं देखो जी सेम है प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट तुम्हें दे रहे हैं एक अलावा एक बड़ा बहुत वधिया चीज़ है जी ये है जी फिल्टर ओके असं फिल्टर पेपर कहने जी इन्हों okay. बहुत क्लीन है बिल्कुल वाइट है जी कित भी कितने मिलावट चेक करनी हो ओनली फॉर पेट्रोल है जी ये जी आप पेट्रोल का कुछ भी चेक करना ये कुछ बूंदा पाइए जी आप कुछ बूंदा पा के तकरीबन 1-1.5 मिनट वेट करा जे तो मिलावट होगी तो वह बूंद आपका दाग धब्बा छड़ दूगी जी तो जी ये बिल्कुल क्लीन उवें ही हो गया तुम 1-1.5 मिनट बाद साइड रख दो वापिस चेक करोगे तो आइडेंटीफाई नहीं कर सकते कितने बूंद पाई सी एक बहुत वधिया आसान तरीका है जी ये जी चीज़ें तुम दिखा रहे हो ये आम पेट्रोल पंप से मिलती हैं सर बिल्कुल जी ये 100% पंप से होंगे जे एक टाइम से नहीं भी है तो तुम्हें अवेलेबल करवा देंगे ये अपना राइट्स है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जी जे जड़िया जो सही पंप है जी वो अवेलेबल भी रखेगा सब कुछ मेनटेन भी करेगा और क्वालिटी वगैरह सही दिता होगा अज के टाइम तो वैसे तकरीबन पंप सही है जी आप निगाह देखना है कि अपने जोड़ा भी सेल्समैन तेल पा रहा है वो 0 मीटर देखो एंडिंग देखो तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती ये अपना पंप लोगों को समर्पित पंप है जी ये लोग असी मतलब कह लो कि 100% लोगों को आप ईमानदारी प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी दे रहे हैं जी जेकर सी एन जी की गल करिए सी एन जी के जड़ियाँ गड्डिया तुम्हें दस्या कि कंपनियां भी कढ़ रही ने गड्डिया कुछ कु होंगे जो बाहरों भी जो सी एन जी किटा लग जाने ने की बेनती करोगे जेडे गाहक ने उन्होंने सी एन जी किट कितों लवानी चाहिए है क्योंकि पिछे जो एक हादसा भी सुनिया शायद मानसा एरिए होया कोई हादसा जोड़ा ना हो सी एन जी लैके कितों किटा लवानी चाहिए उन्होंने भाई जी बहुत वधिया गल की असी भी डेली लोगों को समर्पित होकर गल कहने जिमें साढ़े को सी एन जी दड्डिया होंगे हैं असी कुछ चीज़ा क्रॉस चेक करते हैं जिमें कि उन्होंने जी सी एन जी किट लाई कि वह अपरूवड है जोड़ा उन्होंने सिलेंडर लाया
वो नवा या पुराना बाजार के पुराने सिलेंडर बहुत है जी तो की वो जो सिलेंडर पुराना वो वैध है वो भी हाइड्रो टैसटिंग होंगी है जी मतलब उन्होंने बहुत एक कुछ फैक्ट्रियां लगे हैं गवर्नमेंट दियाँ बहुत ज़्यादा प्रैशर पा के चैक किया जाता है कि वह फटदा तो नहीं गा असी लोगों कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं भी तुम सारा कुछ चैक करवाओ वो करके जिमें मानसा वर्गा एक दुखदायक ब्लास्ट होया कितने ना हो किसी का कोई नुकसान ना हो साडा एक स्टाफ मैंबर साडा एक सेलमैन वो पंप का वो मौके पर ही डैथ हो गई है ऐब जहाँ ना हो जी की उन्होंने जुगाड़ लाया सीगा एक घर के सिलेंडर दो सिलेंडर जोड़ के उन्होंने वैल्ड करके वो गैस भरवा ली किसी ने उसको क्रॉस चैक नहीं किया होना शायद की रही गलत मैम जी मैंने पता नहीं गा साडा जिवें सी एन जी असं पाने बहुत ज़्यादा प्रैशर ना गैस पैंदी है जी जो मशीन जोड़िया उन्होंने प्रैशर पाया वो सी एन जी जिहड़ा उहदा टांका लग्गिया सी उह खुल गया उह फट गया उह सी एन जी उहदा शुक्र है जी एल पी जी गैस हुंदी शायद अग लग जाणी सी उत्थे बहुत वड्डा धमाका होणा सी सी एन जी करके उहनूं अग नहीं फड़ी गैस नूं अग नहीं आई बट वो जो ब्लास्ट होया जी वो करके नुकसान हो गया एक तो जानी हमला हो बेचारा जान चली गई दूजी गड्डिया क्षति हो गई जी तो असं भी इतने आइडेंटिफाई करते रहने हैं असी थोड़े राही मैं एक रिक्वेस्ट कर दें जी किसी ने भी यदि गड्डी लैनी है कंपनी फिटड गड्डिया तो जी देखो बई जी आ हर कंपनी चो हुंडई दी भी आ मारुति सुजुकी दी भी आ कुछ होर गड्डिया भी लॉन्च हो रही हैं जे आप अपने को पेट्रोल गड्डी है डीजल गड्डी नहीं पेट्रोल गड्डी है वो किट रखवानी है तो वह भी रखी जाती है किसी वधिया परसन तो जिहड़ा गवर्नमेंट अप्रूवड होवे वधिया शहर च होवे या जिते भी उहदे कोल प्रोपर मशीनरी होवे हर चीज़ वधिया लावे कॉस्ट पलाई थोड़ा बहुत ज़्यादा होवे पर तुसीं आइडेंटिफाई यह करना है भी तुसीं आपां कल्ले कॉस्ट ते नहीं देखना सब कुछ ओरिजिनल होवे सब कुछ वधिया होवे उत्तों ही नवी किट लवाईए जी जिहदे करके तुसीं भी सेफ हो पंप वाले स्टाफ मैंबर भी तो पंप भी तो सारा कोई दिक्कत कोई दुखदाई घटना किसी ना ना वापरे दर्शको असं भी तुहानूं बेनती करते हैं कि जिवें वीर जी ने कहा बहुत वधिया गल आ कि जुगाड़ के चक्कर के ना पाओ क्योंकि जिहड़ा कोई भी घटना वा जुगाड़ के नाल वापर सकती है जेकर तुसीं भी किट लवाउणी आ चाहुंदे हो कि सस्ती जिहड़ी आ राइड सानूं पवे तो किसी गौरमेंट अपरूवल जिहड़ा जिहड़ा स्थान वा जिहड़ा कोई कोई भी जिथे लाई जाती है उत्थों ही लवाओ ना कि किसी जुगाड़ के चक्कर के पाओ क्योंकि ये कोई भी जानी जां माली नुकसान जिहड़ा वा हो सकता अखीर उत्ते वीर जी कोई गल रह गई हो पुछण तो जां कोई दर्शकों के नाल कोई सांझी करनी चाहुंदे हो जां अपील करनी चाहुंदे हो दर्शकों नूं तुसीं कर सकदे हो साडे जरिए भाई बस बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा तुसीं टाइम टू टाइम कढ के साडे सारे कोल आए जिहड़ी अपनी सर्विस दे रहे हैं या बाकी जो भी चीज़ा आपां जो भी इनफॉर्मेशन वाली कुछ चीज़ा आपां दर्शकों ताईं सांझियां कर सकीए बहुत बहुत साडे माण वाली गल है बाकी बस ऐ मान बनाई रखो असी फुल सपोर्ट करांगे वध तो वध वधिया तो वधिया सर्विस देईए कस्टमर नूं जिवें हुण अपने एरिए पहला पंप है सी एन जी अज अपने पंप करके या सी एन जी करके गड्डियां लोग लै सकदे है इस तरह ही प्यार बनया रहे परमात्मा सब नूं मेहर रखे जी परमात्मा सीएनजी दे नाल कोई पिकअप दा फर्क तो नहीं पैंदा गड्डी दा कोई नहीं भाई सीएनजी नाल कोई पिकअप दा नहीं कोई पिकअप का नहीं ईवन हुण हैवी व्हीकल है कुछ सीमेंट दे वड्डे ट्रक जिहड़े सीमेंट लद के जांदे आ भी ओनली सीएनजी ते हो गए जी सीएनजी एक जिवें डीजल पेट्रोल है जिवें एक फ्यूल है उस टाइप ही सीएनजी है ये जितों डीजल पेट्रोल निकलता उतों ही गैस निकलती है तो इनू कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप का इनू लोड की दिक्कत नहीं भी आप कह लिए भी वो हैवी लोड नहीं चक सकना यह जी कोई दिक्कत नहीं आती जी ये बड़ा जिवें पेट्रोल डीजल काम करता वो सेम ही आई जाता जी किसी कोई दिक्कत नहीं ईवन दो तीन फायदे ये है जी एक तो माइलेज वध दिंदा जी एक तो रेट बहुत घट है डीजल पेट्रोल जैसा उन्होंने महंगाई वध रही है जी तो बाकी ये हर जगह अवेलेबल हो ही जाता दिनों दिन अज यदि थोड़ी जी अवेलेबिलिटी की इशू है साढ़े को जिमें गैस पूरी नहीं आ रही कुछ कस्टमर काफ़ी साढ़े ना सहयोग कर रहे जुड़ रहे हैं साढ़े ज़्यादा ज़्यादा गड्डिया आ रही हैं असी कंपनी ने भी रिक्वेस्ट की है कंपनी कहती थोड़ा जल्दी तुम्हें एक ट्रक होर दिता जाऊगा ट्रकों ना ही गैस आँदी है आने वाले टाइम के पाइपलाइन तक जुड़ जाना अपना एरिया उदो कोई दिक्कत नहीं होनी असी जिनी भी आप गैस चाहिए आप दे सकते हैं नवी टैक्नोलॉजी है सारा कुछ स्मूथली ओपरेट हो रहा है जी धन्यवाद जी दर्शको सारी गलबात सुनी असी आस करते हैं कि बहुत कुछ सीखने वास्ते जो वीर ने गल्ला कीतियां मिलावट में लैके जां होर सी एन जी लैके जां जिवें जिवें समा बदल रहा उन्होंने लैके जिहड़ियां गल्लां कीतियां बहुत ही तुहाडे काम आउणगियां ते जेकर तुहानूं गल्लां पता साडियां वधिया लगियां ते अपनी राय कमेंट बॉक्स विच जरूर दिओ ते नाल ही जिहड़ी इह पोस्ट वाले नूं शेयर भी जरूर करिओ क्योंकि जिहड़ा होर वा जिहड़े होर दर्शक ने जां होर जिहड़े गाहक ने उन्हां तक इह गल्लां पहुँच सकन ते उह भी जिहड़ियां इन्हां चीज़ां दा फायदा उठा सकन तपदा सच न्यूज़ तों रिपोर्टिंग कमलजीत सिंह मरहाणा।